After the global success of Sassy Maine Le Liya Aaj and Daru Daru Daru, जी हाँ ढिंचक पूजा जिसके जैसा ना दूजा, जिसने भी इसका गाना सुना उसका दोनों कान सूजा, वो एक और पार्टी बैंगर लेकर आई है जिसका नाम है पागल होकर नाचो, जो सुनकर लगता है कि इस साल ग्रैमी अवार्ड पक्का इसको फेंक के मारेंगे। जी हाँ, इस बार ये गाना लेकर आई है नाच के पागल, जो लोग सुन के सच में पागल हो रहे हैं। एरिया 51 के एलियन तक ने कह दिया और ही मैया हेका दिखा दियो। तो चलिए देखते हैं इस बार हमारे लिए ढिंचक पूजा ने अपने गाने में क्या लाया है। नाच के पागल होने से पहले, एक सेकेंड, गाना स्टार्ट होने से पहले एड प्लेसमेंट काफी प्रोफेशनल यू नो, क्योंकि आपको तो पता ही है इसके म्यूजिक वीडियो में कितना पैसा लगता है, तो ऑब्वियसली पैसे तो चाहिए, तो इसलिए प्लीज डोंट जज हर। तू बस मुझे एक बात बता पूजा, कि तूने आलू पे रिकॉर्ड किया कैसे, मतलब इतनी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी। नाच के पागल होने, इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी तब भी नहीं आई अगर अपने घर के सारे पंखे खोल दो। एनीवेज लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग नाच के पागल। तो एज यू कैन सी, इस बार पूजा ने दो हॉट लड़कियों से वीडियो स्टार्ट किया है, और पता नहीं क्यों मुझे इनकी हॉटनेस देखकर मेरे पान वाले सुभाष पे ज्यादा प्यार आ रहा है। गई नाच के पागल। अब अचानक से म्यूजिक वीडियो में आ गया पिलो फाइट, बस यही देखकर ना मुझे लगता है इस साल का मानिक चंद डायरेक्शन अवार्ड इसी को मिलने वाला है। नाच के पागल। पागल हो के नाचो और नाच के पागल हो जाओ। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो पहला लाइन है पागल होके नाचो और नाच के पागल हो जाओ, जो बेसिकली एक ही मतलब है, बस उसको दो बार घुमा के बोला है, जैसे ढिंचक पूजा है बेसुरी, बेसुरी है ढिंचक पूजा, मतलब क्या लेवल की राइटिंग है। वाह पूजा, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ये देख रहे हो इंसान बेरोजगारी में क्या नहीं करता। इन दोनों को पता है कि इनकी बहुत बेइज्जती होने वाली है इसके वीडियो में आके, लेकिन भूखा पेट किसी का सुनता नहीं है, आंखों में दर्द देख रहे हो। अब सिया जम सीन आता है पूल के तरफ। पागल होके नाचो और नाच के पागल हो जाओ। मैं बता रहा हूँ इस पानी में बहुत गंदा वाला ड्रग्स मिला है, इन सब लोग को देखो गाना एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ की समस्या भूल के, मतलब इस गाने में एंजॉय करने लायक है कि और ये बंदा तो पूरा बंड है। मजा आ रहा है भाई ढिंचक पूजा। फिर आता है दूसरा लाइन, जहाँ भी मिले खटिया तुम चादर ओढ़ के सो जाओ। जहाँ भी मिले खटिया तुम चादर तान के सो जाओ। जहाँ भी मिले खटिया तुम चादर तान के सो जाओ। चुप तेरी माँ का तेरी मौसी जी। ये लाइन सुनकर मुकेश कवर से निकल के बोला, इससे बेटर कान का कैंसर से मर जाता, मरने के बाद भी चैन नहीं है, मेरे को बाबा से ही सुनना पड़ रहा है। फिर आता है हमारी पूजा का थर्ड लाइन, स्कूल की छुट्टी मारो और ट्यूशन तुम मत जाओ, पान की दुकान खोलो और सबको चूना लगाओ। स्कूल की छुट्टी मारो और ट्यूशन तुम मत जाओ, पान की दुकान खोलो और सबको चूना लगाओ। मैं पहली बात बोलना चाहता हूँ कि ये प्लीज स्टंट अपने घर पे मत ट्राई करना, क्योंकि अगर तुमने किया तुम्हारे घर वाले तुम्हारा पान मसाला निकाल देंगे। I'm sorry. और अगर तुम्हारा पैशन अगर गाना गाना है ढिंचक पूजा की तरह, इससे बेटर स्कूल ही जाओ, लाइफ में कुछ अच्छा कर लोगे। जहाँ भी मिले खटिया तुम चद्दर तान के सो जाओ। प्लीज कमर मत हिलाओ, इससे बेटर हमारे टिकटॉक के लॉन्ड हिलाते हैं। आओ मिलवाता हूँ उन बच्चों से। मजा आया। फिर पूजा कहती है होली में फटाके फोड़ो और दिवाली में सबको नहलाओ। थोड़ा तो इज्जत कर तेरी माँ का मेरा। कितना लाऊं मैं, किधर से ढूंढ के लाऊं इतनी गाली तुम लोग के लिए, तुम्हारी माँ की शर्म करो जरा। अब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस गाने का रोस्ट क्या करूं। नहीं इस पे कोई क्या बोल सकता, इस पे कौन सी कॉमेडी हो सकती, तुम मुझे बताओ। देखो म्यूजिक से ढिंचक पूजा का पुराना दुश्मनी तो है ही, मगर अब लॉजिक से भी, लेकिन हम तो रोस्टर है यार, हमारी बात कौन मानेगा। इससे बेटर हम लोगों का रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम फोन करेंगे चाचा को। चाचा ढिंचक पूजा का नया गाना है कैसा लगा आपको? अरे यार अपनी माँ मत चोदाओ, हम कहते हैं अपनी माँ मत चोदाओ। चाचा ने काट दिया, कोई बात नहीं, छोटन राजू को फोन करेंगे। छोटन राजू, ढिंचक पूजा का नया सॉन्ग आया, मुझे बताओ कैसा लगा तुम्हें? तो आप देख सकते हैं लोग कितना प्यार दे रहे हैं इस गाने को, ये गाना सुन के लोग सच में पागल हो रहे हैं। कोई भी इंसान इंडिया में भूख से नहीं मर रहा, क्योंकि लोग ये गाना सुन के ऑलरेडी मर रहे हैं। लेकिन इस गाने को क्रिटिक्स ने भी काफी अच्छा रिव्यू दिया, राजीव पान मसाला ने इसको 5 में से 10 स्टार देकर अपनी जान दे दी। तो अगर आप भी अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस गाने से दूर रखें, क्योंकि क्या पता आपका बच्चा ये गाना सुनकर नाच के पागल पागल होकर नाचे, पता नहीं क्या करे, कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए अपने बच्चों और अपने खानदान को दूर रखें। और प्लीज अगर आपका भी पैशन गाना फॉलो करना है तो इतना टैलेंट लेकर मत फॉलो करना, वरना लाइफ में बहुत ज्यादा बड़े हो जाओगे तुम। और सच बताओ तो गाना मुझे सुना भी नहीं जा रहा, ये गाना सुनकर मेरे दोनों कान बोल रहे हैं मुझे बवासीर है।
तो बस अगर आज का वीडियो पसंद आया तो धड़ल्ले से लाइक मारो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाना यार। इसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे ज्यादा स्क्रिप्टिंग मैंने की है, इसलिए बस 4-5 लाइन बोलते, उससे ज्यादा लाइन तो मैंने बोल दी अपने रोस्ट में। एंड आज की वीडियो में शाउट आउट टू दिव्यांश भाई एंड बहुत प्यार तेरे को मेरे भाई। और आप भी चाहते कि अगर मैं आपको अगले वीडियो में शाउट आउट दूं तो मेरे वीडियो को शेयर करो, उसका स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो, और अगर शेयर करके स्क्रीनशॉट नहीं भी भेजोगे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी शाउट आउट नहीं दूंगा क्योंकि ये चैनल आप सबका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।